हाय, आई एम साक्षी। वेलकम टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट। साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स ने हाल ही में 2020 के लिए अपने नॉमिनेशन की घोषणा कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि प्रतिष्ठित अवार्ड फंक्शन, जिसे पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण डिले कर दिया गया था, हैदराबाद में 11 और 12 सितंबर को ये फिर से आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि सूर्या अभिनीत फिल्म सुराय पोट्रू ने 14 नॉमिनेशन के साथ लिस्ट में सबसे पहला स्थान हासिल किया है। वहीं लिस्ट में अगला नाम अल्लू अर्जुन का है। जी हां, अल्लू अर्जुन का आला बैकुंठ पुरमुलू फिल्म और महेश बाबू की सैलेरु निक्केवरु 12 नॉमिनेशन के साथ है। अयपनम कोशियुम भी 12 नॉमिनेशन में आगे चल रहा है। इन फिल्मों के अलावा लव मॉकटेल और पॉपकॉर्न मंकी टाइगर और फ्रेंच बिरयानी 2020 के लिए SIIMA नॉमिनेशन में आगे है। वैसे सबसे पॉपुलर अवार्ड शो ने 2019 के लिए अपने नॉमिनेशन की भी घोषणा कर दी है। महेशी तेलुगु, असुरन तमिल, यजमाना कन्नड़ और कुंभलंगी नाइट्स मलयालम संबंधित भाषाओं में 2019 के लिए SIIMA नॉमिनेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे पहले यह फंक्शन दुबई, मलेशिया, शारजा, अबू धाबी और सिंगापुर के कई विदेशों में किया गया था। यह अवार्ड शो दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी शो है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।